अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, तो क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं जा रहा हूँ ज़मीनों पे, वहाँ पे अबू ने लगाई है कनकी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चिड़ियाँ वगैरह जो हैं परिंदे वो उसको खा ना लें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अभी मैं बाइक पे चलते चलते दे रहा हूँ इंट्रो, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और चलिए बस चलते हैं यार। हाँ तो यार मैं आ चुका हूँ अपनी ज़मीनों पर, तो अभी इनका ख्याल मुझे ही रखना है, आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो इस जगह से लेकर एंड ये सारी ज़मीनें हमारी हैं और वहाँ पे जाके ख़त्म है, तो इनका ध्यान मुझे रखना है। और ये जो वाइट वाइट परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले ये आते हैं और ये खाते हैं, और बाकी जो चिड़ियाँ वगैरह हैं वो भी आती हैं, तो उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कि 7 दिन तक इनका ख्याल रखना पड़ता है, 7 दिन के बाद ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इनको चिड़ियाँ वगैरह नहीं खाती। और ये ना एक एक दाना बड़ी मुश्किल से लगाया जाता है, तो इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इन दिनों में। ये देखें, ये आप चेक करें, और ये परिंदा के खाते हैं ना जब, तब बहुत नुकसान होता है हर ज़िम्मेदार को, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से लगाई जाती है, तो काफ़ी मुश्किल से लगी है। अब्बू ने लगाई है सारी, ठीक है, वो अभी फैक्ट्री चले गए। तो मैंने एक आधे ब्लॉग में आपको बताया कि मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो वहाँ पे चले गए और उनको वहाँ पे काम है, तो अभी मुझे 12 नहीं 12:30 बजे तक यहाँ पर रहना है। 12:30 बजे के बाद मैं चले जाऊँगा, उसके बाद मेरा स्कूल है, तो बाइक वाला जा रहा है। हाँ तो 12:30 बजे तक मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे इसका ख्याल रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो और मैं रखूँगा भी। पहले बादल थे और अब सूरज निकला है, तो अभी थोड़ी सी धूप हो रही है। तो यार अभी 9 बज रहे हैं और मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ, मैं वैसे 10-11 बजे तक उठता हूँ, तो आज मैं इसी वजह से उठा हूँ कि मैं इधर आऊँगा बन्नी पे, तो इसी वजह से आज मैं उठाऊँ। और रात मैंने एडिट किया था, 12-1 बजे तक एडिट किया था, तो उसके बाद अपलोडिंग पे लगा दिया था 11 बजे का शेड्यूल करके, तो अभी 11 बजे वीडियो आ जाएगी, और मुझे कोई टेंशन नहीं है अब कोई, 11 बजे खुद ब खुद वीडियो आ जाएगी, उसका थंबनेल वगैरह टैग्स टाइटल सब कुछ मैंने लगा दिया पहले से ही, तो ये काम अच्छा हो गया। और अब मैं बैठा हूँ ऐसे ही फारिग, मैंने कहा बता लूँ थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ चक्कर लगा लूँ ना एक बार हर तरफ से। सही है, वे भाग ही नहीं रहा है तो कौवा। भाग गया यार। तो अभी ना धूप निकल चुकी है और बड़ी गर्मी लग रही है, पहले आया था तो बहुत ठंड लग रही थी, अब आया हूँ तो बैठा हूँ तो धूप निकली और अभी गर्मी लग रही है, और मैंने उतार दी है जैकेट, तो पता नहीं क्या है। तो बादल फिर से आ चुके हैं और थोड़ी सी ठंड हो गई है, अब सही वाला मौसम है, मीठी मीठी ठंड है, तो बहुत तंग करते हैं यार। एक कौवे जो होते हैं ना वो भागते ही नहीं हैं, उनको डराओ वो भागते नहीं है, पत्थर मारो तब भी नहीं भागते, बड़े मुश्किल से जाते हैं ये कौवे जो हैं, ये थोड़े समझदार हैं ना। तो वो पटाखे नहीं होते जो दिवाली पे बजाते हैं, तो वो कहीं से मैं ढूंढ कर तो वो लेकर आऊँगा, तो वो बजाऊँगा, तो तब देखना तब सब जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, तो बाकी ये आधा 1 घंटा है, उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगा, फिर मुझे स्कूल जाना है, तो बस अभी 1 घंटा इधर है। तो यार बोल बोल के मेरा गला थक चुका है और मैं पानी पीने लगा हूँ, आए आवाज़ें लगा के ना लो मैं पानी पी लूँ। हाँ तो यार अभी स्कूल का टाइम हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ घर, हवा काफ़ी चल रही है, नॉइज़ में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। और बस यार फिर एंड करते हैं इस व्लॉग को, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हाँ मैं मानता हूँ इस व्लॉग में शशके वगैरह नहीं है, सिनेमेटिक्स नहीं है, मतलब जिनको पसंद है बस पसंद आ गया होगा, नहीं पसंद आया तो बता देना कमेंट में, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
यार आज कोई तीसरा दिन है मुझे यहाँ आए हुए, तो अभी थोड़ा थोड़ा ना निकल चुकी है। देखें ना अगर आपको सही से फोकस कर दे। हाँ ये देखो आहिस्ता आहिस्ता भी हो रही है, और ये तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, और ये कुछ दिन में इतनी इतनी हो जाएगी, इतनी इतनी हफ्ता लगेगा, इतनी इतनी हो जाएगी। तो बस अभी रखवाली करो इनकी।